आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटलर्जी में लिहिंगम डायग्राम। लिहिंगम डायग्राम का दूसरा नाम है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिहिंगम डायग्राम को। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा, सर लिहिंगम डायग्राम का यूज मेटलर्जी के किस स्टेप में करते हैं? तो क्या आंसर दोगे? बोलोगे रिडक्शन। कहेंगे वेरी गुड, यानी रिडक्शन कहां आता है? ऑक्सीडेशन के बाद वाला स्टेप कहला रहा था रिडक्शन। पॉइंट टू, दूसरा क्वेश्चन उठेगा, ये जो डायग्राम है ये किसके और किसके बीच प्लॉट किया गया है? तो आप कहोगे डेल्टा जी एफ वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है, नॉट भी लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन उठेगा, डेल्टा जी एफ किसके लिए है? एफ मतलब फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन बता रहा है? तो आप कहोगे सर ये तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस है। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस किसका? तो जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी मेटल का, किसी ओर्स का जब ऑक्सीडाइज करके रोस्टिंग और कैंसिलेशन लगाते थे तो मेटल ऑक्साइड बनाते थे। इस मेटल ऑक्साइड बनने में क्या गिब्स फ्री एनर्जी का चेंजेस है, वो चेंजेस के बारे में बात की जा रही है। बहुत अच्छा, यानी डेल्टा जी एफ है क्या? तो मेटल ऑक्साइड के बनने में क्या गिब्स फ्री एनर्जी का चेंजेस आया? ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस। बहुत अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन उठेगा, लिहिंगम डायग्राम हमको क्या बताएगा? तो आप क्या कहोगे? लिहिंगम डायग्राम हमको मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये किस स्टेप में लग रहा है? रिडक्शन स्टेप में लग रहा है। मेटल ऑक्साइड को हमको करना क्या है? रिड्यूस करना है, मेटल निकालना है इससे। मेटल निकालने के लिए क्या लगाओगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ये डायग्राम क्या मैसेज देगा? ये डायग्राम मैसेज देगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस टेम्परेचर पर किस मेटल ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर सकता है। मैसेज समझ में आ रहा है? यानी लिहिंगम डायग्राम का मतलब क्या है? लिहिंगम डायग्राम हमको इंफॉर्मेशन देगा किस रिड्यूसिंग एजेंट से किस मेटल ऑक्साइड को आसानी से आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है डेल्टा जी का क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो आप कहोगे सर डेल्टा जी यदि नेगेटिव है स्पॉन्टेनियस, कहेंगे वेरी गुड। डेल्टा जी जीरो है क्या कहोगे? एट इक्विलिब्रियम, कहेंगे बहुत अच्छे। डेल्टा जी सर पॉजिटिव है तो आप कहोगे नॉन स्पॉन्टेनियस, कहेंगे बहुत अच्छे। और डेल्टा जी का तीन इक्वेशन बड़ा फेमस आप लोग जानते होंगे, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई से, जो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, थर्मोडायनेमिक्स में इसका यूज किया होगा आपने। डेल्टा एस क्या है? इंट्रोपी, इसका भी यूज करके दिखाएंगे डायग्राम में कैसे यूज हुआ है। डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन क्यू, इसको आप केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखे हो, थर्मोडायनेमिक्स में भी देखे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखे हो, इन सभी इक्वेशन का यूज करेंगे। मेन फीचर आपको दिमाग में क्या रखना है, डेल्टा जी निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, यानी वह प्रोसेस फ्यूजल होगा, यानी वो रिएक्शन संभव है। कब? जब डेल्टा जी निगेटिव है। क्लियर? क्या क्या बात मैंने कहा फिर से दिमाग में डालिए। लिहिंगम डायग्राम कहां लगेगा? मेटलर्जी के रिडक्शन प्रोसेस में लगेगा। मेटलर्जी क्या बता रहा था भाई? आप किस ओर से सबसे सस्ते और ज्यादा क्वांटिटी में मेटल निकाल सकते हो? चलिए तो मेटलर्जी की बात हो। डायग्राम क्या बताएगा? डायग्राम में हमको क्या है? थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है। यह बताएगा किस टेम्परेचर पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। क्लियर? यानी कहां लग रहा है? रिडक्शन में। किसके बीच का प्लॉट है? तो डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट है। डेल्टा जी एफ है क्या? तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस है। किसका चेंजेस है? तो जब मेटल मेटल ऑक्साइड में बन रहा होता है। इस डायग्राम का मकसद क्या है? ये डायग्राम बताएगा किसके बारे में? तो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। कैसे बताएगा? तो चलिए देखते हैं कैसे बताएगा। अब आप इसको लगाओगे कैसे वो देखिए ध्यान से। देखो लगाओगे कैसे, इसको लगाने के लिए पहले एक प्लॉट करो। ये प्लॉट किसका है? तो डेल्टा जी एफ वर्सेस टेम्परेचर का। ठीक है, आप यहां पर डेल्टा जी बराबर जीरो मान लो, यानी इक्विलिब्रियम का पोजीशन है,
और कोई मैं एक प्लॉट खींच देता हूं किसी मेटल ऑक्साइड के लिए, ठीक है, इसके दो रीजन बना देता हूं, ये रीजन ए है और ये रीजन बी है, ठीक है। अब आप देखो जब ये जीरो है तो ये वाला रीजन यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, और ऊपर वाले रीजन पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, क्लियर। अब ये बताओ जरा हमको, अगर रीजन ए की बात करें, यहां रीजन ए में कोई मेटल ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, इस रीजन में डेल्टा जी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। हमको निकालना क्या है, कौन सा मेटल ऑक्साइड किस टेम्परेचर पर रिड्यूस हो सकता है, यानी मेटल ऑक्साइड को हम मेटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं। जब किसी थर्मोडायनेमिक रिएक्शन को पलट कर लिखेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी इस टेम्परेचर के पहले तक मेटल ऑक्साइड बढ़ना पसंद करेगा, नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये होना चाहेगा, पर हम इस टेम्परेचर के पहले मेटल ऑक्साइड को हीट करके तोड़ना चाहेंगे तो ये टूटना नहीं पसंद करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और रीजन बी में जाके देखो, रीजन बी में क्या दिख रहा है, इसी मेटल ऑक्साइड का, यही मेटल ऑक्साइड बनने में डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अगर रिवर्स करके लिखें तो क्या पता चलेगा, डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव, यानी स्पॉन्टेनियस। क्या मैसेज आया, यही मेटल ऑक्साइड इस टेम्परेचर के बाद वो डिसोसिएट होना चाह रहा है, टूटना चाह रहा है। तो इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं किस टेम्परेचर तक ये मेटल ऑक्साइड स्टेबल है और किस टेम्परेचर के बाद ये डिकम्पोज कर जाएगा। तो पहला तरीका तो देखने का ये आया। आप ये मान के चलिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल एनालिसिस पर बेस्ड है और हर एक मेटल ऑक्साइड को हम हीट करके थ्योरेटिकली 100% तोड़ सकते हैं, ये भी बात आप समझिए। यानी मेटल ऑक्साइड को थ्योरेटिकली हम तोड़ सकते हैं टेम्परेचर देके, कोई दिक्कत वाली बात है, पहले नोट कीजिए इसको। यानी इस ग्राफ को देखने से आपको क्या पता चला भाई कि ये मेटल ऑक्साइड का ग्राफ है, इस टेम्परेचर के पहले यह मेटल ऑक्साइड टूटना पसंद नहीं करेगा और इस टेम्परेचर के बाद ये मेटल ऑक्साइड टूटना चाहेगा, क्लियर। अब कुछ और ग्राफ देखते हैं हम लोग, कुछ ग्राफ और देखते हैं हम लोग। अब आप देखो क्या करते हैं हम लोग, ये डेल्टा जी जीरो है, ये डेल्टा जी एफ नॉट है, परसिस्ट टेम्परेचर, ए जी टू ओ है, एच जी ओ है, ये जिंक ऑक्साइड है। तो देखना ध्यान से, तीन मेटल ऑक्साइड बनने का ग्राफ मैंने लिया। देखो AgTO इस टेम्परेचर के बाद, इसके पहले तीन सभी की वैल्यू आप जान रहे हो क्या है, नेगेटिव है। यानी इस टेम्परेचर के बाद डेल्टा जी के ऊपर सब टूटना पसंद करेगा। पिछले ग्राफ से तो हमको यही पता चला कि अगर इस टेम्परेचर के ऊपर जाएंगे तो सब मेटल ऑक्साइड क्या होगा, डिकम्पोज होगा। तो Ag2O को तोड़ेंगे तो Ag प्लस ऑक्सीजन लगेगा। तो इसको तोड़ने में क्या टेम्परेचर लगा हमको, T1। यहां से प्लॉट करके देख लेंगे किस टेम्परेचर से टूटना पसंद करेगा। मर्करी ऑक्साइड को भी हीट किए, Hg प्लस हाफ O2, ये लगा T2। इस दोनों को तोड़ने में T1 से ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है T2। पर जब आप जिंक ऑक्साइड की बात कर रहे हो, आप ध्यान से देखो, जिंक ऑक्साइड को तोड़ने में सबसे ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है T1 से ज्यादा लग रहा है T2 को, और T2 से बहुत ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है किसको, T3 को। तो कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं,
जो कम ही टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर ही टूट जाते हैं, जैसे सिल्वर के ऑक्साइड हो, मरकरी के ऑक्साइड हो, लो टेम्परेचर पर ही टूट जाते हैं, यानी हल्का सा हीट दिए वो फ्री हो जाते हैं। और कुछ मेटल ऑक्साइड लास्ट टेम्परेचर पर टूटते हैं, जैसे जिंक। तो क्या देख रहे हो भाई, T1 से ज्यादा कहां लगा, T2, और T2 से बहुत ज्यादा लग रहा है T3। बहुत ज्यादा का मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसमें ज्यादा फ्यूल खर्चा हो रहा है। मेटलर्जी प्रोसेस क्या है, जो कहता इजी वे में हमको रिडक्शन हो जाए, जहां हमारा कॉस्ट कम लगे, पर यहां कॉस्ट क्या लग रहा है, फ्यूल बनाने में ज्यादा कॉस्ट लग रहा है। ये तो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, पर इसको बनाने में हमको ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो हम इसको आसानी से इजी वे में कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं, यू खोजना है हम लोग को। तो देखिए क्या करते हैं कि जिंक ऑक्साइड में एक रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन डाल देते हैं। कार्बन क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, जिंक को फ्री कर देता है। इस प्रोसेस में हमको लो टेम्परेचर लग रहा है, कैसे लगता है आगे बताता हूं। तो हमको क्या करना चाहिए, इस प्रोसेस से जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करना चाहिए कि इस प्रोसेस से करना चाहिए। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन कहता है कि आपको इससे करना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स सजेस्ट कर रहा है किसी भी मेटल ऑक्साइड को हम लोग थियोरेटिकली हीट दे के डिसोसिएट कर सकते हैं, पर इस डिसोसिएशन में हमको लास्ट टेम्परेचर लगेगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसलिए यहां पर हमको एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जैसा कि कार्बन है। तो कार्बन क्या किया कि इसका टेम्परेचर लो हो गया, तो आगे देखने की बात है। तो दो बातें यहां समझना है, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर पर ही आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं, और कुछ मेटल ऑक्साइड हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होते हैं। वैसे मेटल ऑक्साइड को डिकम्पोज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमको सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जो लिहिंगम डायग्राम बताएगा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस मेटल ऑक्साइड को किस टेम्परेचर पर इजिली रिड्यूस कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात, यहां से दो पार्ट हुए, एक पार्ट जहां पर वैसे मेटल ऑक्साइड जो इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं उसके लिए किसी तरह का कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, दूसरा वह पार्ट वैसा मेटल ऑक्साइड जो डिकम्पोज होने के लिए हाई टेम्परेचर लेता है, वैसे मेटल ऑक्साइड को डिकम्पोज कराने के लिए, इजिली वे में रिड्यूस कराने के लिए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, वही हम लोग खोजने जा रहे हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले उसको देख लें, तब सोचेंगे कैसे चूज करते हैं ये कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, तीन फेमस रिड्यूसिंग एजेंट हैं, कौन कौन है जरा देखा जाए। ये डेल्टा जीएफ है और ये टेम्परेचर है, एक कार्बन सॉलिड से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, एक कार्बन सॉलिड से कार्बन मोनोऑक्साइड वाला है, ये भी गैस है, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। ये तीन फेमस रिड्यूसिंग एजेंट हैं। पहले तीनों के बारे में डिस्कशन हम लोग कर ले, पहले इसके बारे में देखते हैं, कार्बन सॉलिड, इसको लाइन वन, इसको टू, इसको थ्री मान लेते हैं। लाइन वन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस को पकड़ा, क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है, ये सॉलिड, ये गैस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। आप बताओ डेल्टा एन गैस निकालने तो जानते हो, कहोगे हाँ सर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में एक मोल सॉलिड का तो लेना नहीं है, ये हाफ मोल, ओवरऑल कितना आ गया हाफ। हाफ का मतलब क्या है, इस रिएक्शन में डेल्टा एन गैस बढ़ रहा है, और आप जानते हो कि जो इंट्रोपी है वो इंक्रीज करता है यदि डेल्टा एन गैस इंक्रीज करेगा तो, क्यों, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं तो डिसऑर्डर बढ़ता है, डिसऑर्डर इंक्रीज होता है, डिसऑर्डर कहने का मतलब रेंडमनेस, और रेंडमनेस इंक्रीज करेगा तो इंट्रोपी इंक्रीज करेगा, क्लियर। अब जरा इस इक्वेशन को डेल्टा जी, डेल्टा एच
माइनस टी डेल एस पर दिखाओ। देखो तो डेल्टा एस इस रिएक्शन में बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आप कहोगे सर बढ़ रहा है, ये तो पॉजिटिव है क्योंकि इंट्रॉपी एक स्टेट फंक्शन है जो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। इंट्रॉपी ओवरऑल बढ़ रहा है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा फैक्टर क्या है आपको इंक्रीज कर रहा है। तो ये अगर ये इंक्रीज करेगा तो डेल्टा एच में ज्यादा घटेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाते गए तो, इसका मतलब क्या होगा डेल्टा जी क्या होगा घटेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट इस पर्टिकुलर लाइन में डिक्रीज कर रहा है, कब, जब टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। ये बात तो समझ में आया, क्या बात समझ में आया, क्यों टेम्परेचर के साथ इसका स्लोप नेगेटिव है, कहीं कंफ्यूजन कहीं पर। लाइन टू के बारे में डिस्कशन करते हैं, लाइन टू क्या कहता है जरा देखो, लाइन टू क्या कह रहा है देखा जाए, क्या हो रहा है, कार्बन सॉलिड, कार्बन सॉलिड ओ टू गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां पर ये डेल्टा एन गैस निकालते हैं हम लोग, सॉलिड है ये एक मोल, ये भी एक मोल, यानी डेल्टा एन गैस नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। भैया देखो वन माइनस वन कट के क्या हो गया जीरो, यानी डेल्टा एन गैस जीरो है, नो चेंज इन मोल, मोल में कोई चेंज नहीं है, तो इंट्रॉपी का जो चेंज है वो क्या है कांस्टेंट है, यानी डेल्टा एस जीरो मानेंगे, इंट्रॉपी चेंज कांस्टेंट, इंट्रॉपी पहले जितना था उतना ही होगा, डेल्टा एस क्या मानेंगे जीरो मानेंगे। इसका मतलब इस केस में डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, क्लियर। अब डेल्टा एस जीरो है तो टेम्परेचर का तो कोई रोल रहा नहीं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं डेल्टा जी इंडिपेंडेंट है किससे, टेम्परेचर से, क्योंकि ये जीरो हो गया तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी क्या हो गया इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, क्लियर। लाइन टू समझ में आया क्यों ये स्ट्रेट लाइन है। लाइन थ्री के बारे में डिस्कशन करें, लाइन थ्री को देखो क्या दिख रहा है, देखो तो कार्बन मोनोक्साइड गैस है, हाफ ओ टू गैस बना क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इधर ये एक मोल, ये हाफ मोल, और ये कितना मोल है एक मोल, यानी डेल्टा एन गैस निकालोगे तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाएगा, वन माइनस वन प्लस हाफ माइनस हाफ, यानी आप कह सकते हो कि डेल्टा एन गैस निगेटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है, क्लियर। डिसऑर्डर क्या हो रहा है घट रहा है, रेंडमनेस क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इंट्रॉपी क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। कोई कंफ्यूजन वाली बात। अब इस इक्वेशन को देखो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, अगर ये निगेटिव है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और टेम्परेचर तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या होगा बढ़ेगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि डेल्टा जी इंक्रीज करेगा, कब, जब टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर को क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो। तो तीनों लाइन तो समझ में आ गया, क्लियर है। और इंट्रॉपी के बारे में इस बात को भी दिमाग में रखना है कि अगर फेज चेंज होता है, जैसे सॉलिड से हम लोग लिक्विड जाते हैं, लिक्विड से गैस जाते हैं, तब भी इंट्रॉपी बढ़ता है। इसका भी एक क्वेश्चन आगे आएगा कि अगर हम लोग फेज ट्रांजिशन करें, सॉलिड से लिक्विड जाए, लिक्विड से गैस जाए, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, रेंडमनेस इंक्रीज कर रहा है, तो इंट्रॉपी क्या होगा इंक्रीज करेगा, क्लियर। ये बात भी दिमाग में रखना है, ठीक है। तो तीनों रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों ये टेम्परेचर के साथ घट रहा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों ये बढ़ रहा है, ये बात समझ में आ गया।
अब कैसे चूज करेंगे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए बेटर है, देखिए कैसे चूज करते हैं वो दिखाता हूं। How to choose? तो नीचे से लिखते हैं, दिखेगा नहीं। How to choose better reducing agent? Better reducing agent. जरा देखो, इसके लिए क्या किया मैंने? ये एक लाइन ले लो भाई, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ ओ टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डेल्टा जीएफ है, ये टेम्परेचर है, ये जिंक ऑक्साइड का है, जिंक सॉलिड हाफ ओ टू गैस जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब ये रीजन वन है और ये रीजन बी है, यहां पर जिंक ऑक्साइड की एंट्रोपी x1 मान लो, कार्बन मोनोऑक्साइड की x2 मान लो, यहां x3 मान लो, यहां x4 मान लो, ठीक है। करना क्या है, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, किससे रिड्यूस करना है, कार्बन से, यानी जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूस करके जिंक निकालना है और कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर करना है, ये काम हमको करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग आए रीजन ए में, रीजन ए में देखो क्या क्या गिवन डेटा है, जिंक सॉलिड हाफ ओ टू गैस जिंक ऑक्साइड, इसको बनने में जो डेल्टा जी लगा वो एक्स वन लगा, दूसरा क्या दिया हुआ है, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ ओ टू गैस, हाफ ओ टू गैस बना क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो डेल्टा जी, जी वन इसको मान लो, जी टू एक्स टू है। हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या लाना है, यह यानी जिंक ऑक्साइड को रिवर्स करना है, तो आप जानते हैं किसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिखेंगे तो उसका जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी का वैल्यू है में सिर्फ क्या बदलेगा, साइन बदलेगा, वैल्यू तो ही रहेगा माइनस एक्स वन, और ये कार्बन सॉलिड है प्लस हाफ ओ टू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डेल्टा जी टू बराबर एक्स टू। अब देखो तो हाफ ओ टू, हाफ ओ टू कट गया, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये डेल्टा जी जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, और इस डेटा को देखो क्या दिखता है, एक्स टू बड़ा है किससे, एक्स वन से, एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन, तो डेल्टा जी क्या कहला जाएगा, निगेटिव कहला जाएगा, एक्स टू बड़ा है किससे, एक्स टू बड़ा है किससे, एक्स वन से, तो डेल्टा जी क्या कहला जाएगा, पॉजिटिव कहला जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कहां, किस रीजन में, रीजन ए में, क्लियर है, नोट करें। अब रीजन बी की बात करें, रीजन बी में इसी चीज को देखते हैं, तो रीजन ए में क्या दिख रहा है भाई, कि भाई कार्बन जो है, कार्बन सॉलिड जो कार्बन मोनोऑक्साइड में जा रहा है वो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। रीजन बी में देखते हैं, रीजन बी में क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन के लिए इसकी वैल्यू क्या हो गई है, एक्स फोर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई है, एक्स थ्री। अब क्या करेंगे, फिर इसको रिवर्स करेंगे, देखो क्या करना है, रीजन बी में दोनों का वैल्यू दिया हुआ डेटा, अब रिवर्स करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स फोर और इसकी वैल्यू हो जाएगी x3, तो अब क्या करेंगे, x3 थ्री माइनस एक्स फोर सब कुछ तो वही रहेगा, डाउट है कहीं पर, सब कुछ तो वही रहेगा,
तो कहने का मतलब क्या कि x4 ग्रेटर देन है x3, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये प्रोसेस क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। तो ध्यान से देखो, इस रीजन में कार्बन जो है जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पा रहा था, और इस रीजन में कार्बन जो है जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। मतलब किस टेम्परेचर की बात कर रहा है, कैसे निकाल लेंगे, यहां से टेम्परेचर प्लॉट कर लेंगे और कहेंगे कि इस टेम्परेचर के बाद कार्बन जो है जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, ये फेवरेबल कंडीशन हो गया, और इस टेम्परेचर के पहले कार्बन जो है जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। दिमाग में क्या रखना है कि नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को हमेशा रिड्यूस कर सकते हैं। क्या हुआ, नीचे वाला मेटल या रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को ईजली रिड्यूस्ड कर सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। और इस ग्राफ को देखकर हम लोग टेम्परेचर को प्लॉट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, नोट कीजिए। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन दे रहा है, सजेस्ट ए कंडीशन अंडर विच मैग्नीशियम कुड रिड्यूस अल्मुना। सेम कहानी है, ऑब्जेक्टिव बनाना रहता तो सीधे जानते हैं हम लोग, नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट या मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो हमको करना क्या है, अल्मुना को रिड्यूस करना। अल्मुना क्या हुआ, Al2O3। किससे रिड्यूस करना है, मैग्नीशियम से, यानी अल्मुनियम को फ्री करना है और मैग्नीशियम को ऑक्साइड बनाना है, ये काम हम लोग को करना है। तो क्या करते हैं भैया, इसकी वैल्यू को x1, इसकी वैल्यू को x2, इसकी वैल्यू को x3, x की वैल्यू को x4, दो रीजन है, पॉइंट ए के पहले और ए के बाद, बिफोर पॉइंट ए। अब क्या दिया हुआ, जरा देखो तो 4/3 Al प्लस O2 2/3 Al2O3, क्लियर। इसकी वैल्यू दी हुई है डेल्टा जीएफ, क्या दिया हुआ है X2, और मैग्नीशियम वाला दिया हुआ है कितना, 2mg प्लस O2 2mgO डेल्टा HF कितना दिया हुआ है X1। करना क्या है, अल्मुनियम को रिवर्स करना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन तो ये है 2/3 Al2O3, फिर मैग्नीशियम इक्वेशन को जोड़ देना है, इस इक्वेशन को रिवर्स किए तो क्या हुआ, 4/3 Al प्लस O2 डेल्टा GF बराबर माइनस X2, इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो वैल्यू बदल जाएगा, 2mg प्लस O2 2mgO डेल्टा GF X1 जोड़े, ये कट गया, 2/3 Al2O3 प्लस 2mg 4/3 Al प्लस 2mgO ठीक है डेल्टा GF X1 माइनस X2, क्या दिख रहा है, X1 माइनस X2, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, कौन बड़ा है, X2 बड़ा है, किससे बड़ा है, X1 से बड़ा है, यानी X2 इज ग्रेटर देन X1, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ये वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यानी ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, यानी मेटल मैग्नीशियम क्या है, अल्मुना को पॉइंट ए के पहले आसानी से रिड्यूस कर सकता है, इसमें कोई डाउट है कहीं पर, नहीं। कहानी सिंपल है, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस कर सकता है, तो नीचे कौन है, मैग्नीशियम, ये आसानी से रिड्यूस कर दिया किसको, ऊपर वाले ऑक्साइड को। अब देखना है पॉइंट ए के बाद क्या हो रहा, आफ्टर पॉइंट ए हमको तो मिल गया कहां पर रिड्यूस करेगा, फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। आफ्टर पॉइंट ए इसकी वैल्यू क्या हो गई X3, और इसकी वैल्यू क्या हो गई X4,
इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स थ्री और ये एक्स फोर, बड़ा कौन है, एक्स फोर बड़ा है एक्स थ्री से। तो जरा देखो एक्स फोर माइनस एक्स थ्री ये वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स फोर बड़ा किससे है एक्स थ्री से, और पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कहानी हमेशा दिमाग में रखना है कि नीचे वाला मेटल या रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को इजिली रिड्यूस कर सकता है, कहीं दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को हमको रिड्यूस करना है, एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करना है और एक बार कार्बन का यूज करना है। तो सीधी सी बात है कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट मेटल ऑक्साइड के नीचे होगा तो आसानी से रिड्यूस कर देगा। तो यहां देखो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या वो जिंक ऑक्साइड के नीचे है, तो आप कहोगे नहीं, कहीं पर भी वो जिंक ऑक्साइड को क्रॉस कर रहा है। आप ध्यान से देखो ये वाला ग्राफ है कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्लियर। यानी अगर हमको जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करना है कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड को नीचे आना होगा, किससे, जिंक ऑक्साइड से। तो कहीं पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड से नीचे है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नेवर रिड्यूस जिंक ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू लिहिंगम डायग्राम। क्लियर। अब क्वेश्चन है कि कार्बन, कार्बन में तो दो बात बन रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। अब देखो इस पॉइंट के बाद, अब देखो जिंक ऑक्साइड कहां चला गया, ऊपर चला गया, और कार्बन कहां गया, नीचे। तो कार्बन से रिड्यूस करना है किसको, जिंक ऑक्साइड को। तो क्या हुआ, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ध्यान दीजिएगा, इस टेम्परेचर के बाद जिंक ऑक्साइड को कार्बन आसानी से क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्लियर। तो कार्बन तो रिड्यूस कर रहा है, अब क्वेश्चन उठ रहा है कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनना हमारे लिए अच्छा है। तुम सोच के देखो जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो इसके लिए टेम्परेचर T1 लगेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इसके लिए टेम्परेचर क्या लग जाएगा आपको, T2। किसमें टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, इसके रिडक्शन में, क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इस टेम्परेचर के बाद इसको रिड्यूस कर सकता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इसी टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा दोनों में बेस्ट कौन है, तो आप क्या कहोगे, कार्बन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, किसके लिए, जिंक ऑक्साइड के लिए। कोई डाउट है कहीं पर, कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है क्या, तो क्या कहेंगे, बिल्कुल नहीं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए कैसे क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, ध्यान से देखना। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट 673 केल्विन। ध्यान से देखिएगा 673 केल्विन, यानी इसका मतलब हुआ लो टेम्परेचर, पहले इसको समझना है, लो टेम्परेचर, ये बड़ा केल्विन है टेम्परेचर, यहां क्या होता है हाई टेम्परेचर पर देखा हुआ कर्व है, ये सब 1500 2000 केल्विन, तो उसके लिए वो लो टेम्परेचर, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं जहां टेम्परेचर लो है। जहां टेम्परेचर लो है तो आप देखिए किसका डेल्टा जी का वैल्यू नीचे है, जिसका डेल्टा जी का वैल्यू नीचे होगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट को नीचे होना जरूरी है, जिस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है उसके नीचे क्या लाइज करना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखो कार्बन वाला कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या है, ऊपर है, तो लो टेम्परेचर पर हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू कार्बन, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नीचे है। क्लियर। यानी हमेशा नीचे वाला मेटल या रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो यहां पर कौन बेटर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, ऑल्दो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल, ये संभव है थर्मोडायनेमिकली ये फिजिबल है कि मैग्नीशियम अल्मोनियम को रिड्यूस कर सकता है, इन प्रैक्टिस मैग्नीशियम मेटल इज नॉट यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्मुना इन द मेटलर्जी ऑफ अल्मोनियम। पूछ रहा क्यों नहीं यूज करते हैं,
जब ये सवाल उठे आपसे कि भाई थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है तो इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो दो कंसेप्ट बार बार चलेगा मेटलर्जी में, एक मेटलर्जिकल ऑपरेशन होता है, एक थर्मोडायनेमिकल ऑपरेशन होता है। थर्मोडायनेमिक सिर्फ यह बताता है किस टेम्परेचर पर किस मेटल ऑक्साइड को आप रिड्यूस कर सकते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशन यह बताता है कि आप कहां पर सस्ते ढंग से किस काम को कर सकते हैं। यानी अगर यह संभव है और मेटलर्जी में ऑपरेशन में यूज नहीं कर रहे हैं तो सीधा एक फैक्टर होगा कॉस्ट, तो क्या कह देंगे यह अन इकोनॉमिकल है। यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट ए अगर इसको मान ले, इसके पहले मैग्नीशियम अल्मुना को रिड्यूस कर सकता है, फिर भी इसका यूज हम लोग मेटलर्जी में नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या होगा, तो सिर्फ कॉस्ट होगा, अन इकोनॉमिकल हो जाता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां थर्मोडायनेमिक फेवर कर दे और कहे इस प्रोसेस का यूज नहीं कर रहे हैं, तो सीधा और सीधा एक ही आंसर दीजिएगा, भैया मेटलर्जी को पसंद नहीं है, कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, कहता इससे आसान है हम दूसरे प्रोसेस से बना लेंगे, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हाई इज द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इजियर इफ द मेटल फॉर्म इन द लिक्विड स्टेट। अगर मेटल लिक्विड स्टेट में है तो उसका रिडक्शन करना आसान क्यों है, तो भाई आप जान रहे हो कि इंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा और जितना इंट्रोपी हमको हेल्प करेगा डेल्टा जी को निगेटिव ले जाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। अगर इंट्रोपी बढ़ेगा तो डेल्टा जी की वैल्यू घटेगी और वो प्रोसेस ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, इजी वे में होगा, इसलिए अगर मेटल लिक्विड स्टेट में है तो उसका रिडक्शन कराना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। क्लियर, नोट किया जाए।